एक कबूतर ने एक व्यापारी के घर की रसोई के पास लटकी रहने वाली एक टोकरी में अपना घोंसला बना लिया। व्यापारी ने अपने रसोइये से कहा कि वह उस कबूतर को ना भगाए। एक दिन एक कौवे ने कबूतर से मित्रता कर ली। इस बहाने उसे भी रसोई में घुसने का अवसर मिल गया। उस दिन व्यापारी के रसोइये ने मछली का स्वादिष्ट पकवान बनाया। जब रसोइया रसोई से निकला तो कौवा रसोई में पकवान खाने के लिए घुस पड़ा। मछली खाने की कोशिश में ऊपर रखी प्लेट गिर पड़ी और जोरदार आवाज हुई। शोर सुनकर रसोइया दौड़ता दौड़ता आया। तब तक कौवा एक मछली का टुकड़ा ले चुका था। कौवे की चोंच में मछली का टुकड़ा देखकर रसोइया बहुत क्रोधित हुआ। वह दौड़ा, दौड़कर उसने कौवे की गर्दन दबोच ली। रसोइये ने कौवे के पंख भी नोच दिए और उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो दोस्तों, कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।